रोहतक की जनता कॉलोनी में शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे तारा होटल मालिक चंद्रभान और उनकी पत्नी निशा की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को सोते समय गोली मारी गई है। वहीं वारदात के बाद से दंपत्ति का इकलौता बेटा लापता है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं दंपत्ति के बेटे के मिलने के बाद पूरी वारदात पर से खुलासा हो पाएगा। वहीं शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे सूचना मिली थी कि काठमंडी रोड स्थित तारा होटल के मालिक चंद्रभान उनकी पत्नी निशा की जनता कॉलोनी स्थित मकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों के शव लहूलुहान हालत में घर के अंदर नीचे वाले कमरे में पड़े हैं। वहीं दोहरे हत्याकांड की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों के सिर से खून बह रहा था। बताया जा रहा है कि गोली सिर के अंदर कान के पास नजदीकी से मारी गई थी। पुलिस ने घर में मौजूद दंपति के पुत्र वधु से पूछताछ की, क्योंकि होटल मालिक का बेटा मौके पर नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने बताया कि बेटे के लापता होने से शक उसी पर जा रहा है। गहराई से पूछताछ करने पर पता लगा कि तरुण होटल अपने नाम करवाना चाहता था। इस बात को लेकर घर में विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए FSL एक्सपर्ट डॉक्टर दहिया को मौके पर बुलाया। शवों की गहराई से जांच की गई, साथ ही खून से लथपथ कपड़े कब्जे में लिए गए। आपको बता दें, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI के डेड हाउस भेज दिया गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तारा होटल मालिक चंद्रभान का बेटा तरुण चाहता था कि माता पिता होटल उसके नाम कर दें। ऐसा न करने पर रात को उसने अपने माता पिता की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से वह फरार है। केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द आरोपी को काबू में किया जाएगा। हाँ भाई, सुबह करीब 4 बजे ही आज सूचना मिली कि तारा होटल का जो मालिक है मियां बीबी को जो है उनको उनके लड़के ने गोली मार दी है। और जो है मौके पहुँचे, देखा तो तारा होटल का जो मालिक है चंद्रभान और उसकी पत्नी है निशा, तो यहाँ पर जांच करने में पाया गया उसका लड़का तरुण है, वो शराब के नशे में रात को उसने दोनों अपने माँ बाप को गोली मार दी। वजह ये पता चली वो शराब के नशे में था और अपने मम्मी पापा को यही कहता था कि भाई ये होटल मेरे नाम कर दो, मैं चलाऊंगा इसको, आप इसको मत बैठा करो। हाँ भाई, इस होटल को लेकर उसका काफ़ी बताया कि भाई कई सालों से इनका तो विवाद चल रहा था। आरोपी फरार है। ये आप उस लड़के ने जो है ना खुद इस होटल का मालिक बनना चाहता था। ये तो बुजुर्ग आदमी है, इसके अंदर तो अभी तो दिख रहा है भाई सिर में गोलियां मार रखी। लड़के की उम्र है कोई 35-40 के करीब, वो भी कुछ नहीं करता वो। हाँ, ये ज्वाइंट है हाउस और जो ना होटल ढाबा जो ज्वाइंट, तो उसकी लड़के की पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, वही घर पर नहीं। उसकी पुत्र वो तो भी साथ थी, वो परसोरी थी, जब उसका आवाज़ सुनी तो उसने फिर कुंडी उसकी भी कुंडी मार रखी थी उसने। हाँ बेटी लड़का वो फरार है, सुबह से तलाश कर रहे हैं उसकी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।